राम राम किसान भाइयों, अनमोल किसान के यूट्यूब चैनल पे आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, जैसे आप सबको पता है कि पिछले 4-5 दिनों में राजस्थान के कई जिलों में बारिश की वजह से काफ़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जैसे कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, पाली, उदयपुर जैसे कई जिलों में बारिश ने काफ़ी कहर बरपाया था। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हाड़ौती संभाग में हुआ है, यानी कि जो कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी जो ज़िले हैं इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो नुकसान है वो हो चुका है फसलों का, 1,000 करोड़ की नुकसान हो चुका है। तो किसान भाइयों, जो अगर आपकी फसल भी बाढ़ की वजह से या अधिक अतिवृष्टि की वजह से आपका फसल भी बर्बाद हुआ है, तो आप भी जो बीमा क्लेम है वो कर सकते हैं, बशर्ते आपने जो 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ हो, जो भी डॉक्यूमेंट बैंक में मांगे गए थे वो आपने जमा करवाए करवाए हो समय पे। और अगर हम बात करें तो जो क्लेम, जो आप अगर नुकसान हुआ है तो आपको इसकी सूचना 72 घंटों के अंदर देनी होती है, जैसे कि 72 घंटे मतलब 3 दिन के अंदर, क्योंकि कंपनी जो सर्वे करती है वो 3 दिन के अंदर ही करती है, इसी से उनको नुकसान का सही से आइडिया लगता है। तो किसान भाई इसमें देरी ना करें, आप कंपनी को जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अगर वो ऐसे नहीं करना चाहें तो आप जो सबसे अच्छा जो एक तरीका है वो ये है कि जो आपके एरिए के जो ग्राम सेवक हैं, एक जो कृषि के जो ग्राम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो हैं उनसे संपर्क कीजिए, उनको बताइए, तो वो आपके क्षेत्र का सर्वे करेंगे और अपनी रिपोर्ट आगे देंगे, तो उसके आधार पे फिर बीमा आपको जो क्लेम है जितना भी आपका वो आपको मिल जाएगा। जो कंपनी 3 दिन के अंदर सर्वे करवाती है और जब उसको जो रिपोर्ट मिलती है उसके 15 दिन के अंदर उसको क्लेम सेटलमेंट करना होता है, यानी कि जो जितना भी क्लेम बनता है वो उसको देना होता है। तो किसान भाइयों, इसमें आप डील बिल्कुल भी ना कीजिए, अगर आपको नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से या बरसात के अतिवृष्टि की वजह से, तो आप जल्दी से अपने जो ग्राम सेवक है नज़दीक जो भी है उनसे संपर्क कीजिए और उनको पूरा जानकारी दीजिए और उनको खेत पे ले के जाइए और उनसे सर्वे करवाइए ताकि वो समय पे रिपोर्ट दे सके ऊपर और आपको बीमा मिल सके। बस आपने बीमा करवाया हुआ होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है, तभी आपको क्लेम मिल पाएगा, जो 31 जुलाई तक उसका आखिरी डेट था जो निकल चुका है। तो किसान भाइयों, कौन कौन सी कंपनी किस ज़िले में ऑपरेट करती हैं और कौन कौन सी फसलों पे ये मिलेगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी आप इसमें ढील ना कीजिए और तुरंत ग्राम सेवक से मिलके जो भी है सर्वे वाला काम पहले वो करवा लीजिए। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।